गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलते हैं। तो इसलिए आपको निरंतर प्रयास करना है, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। जिस पथ पर आप चल रहे हो, आप अपने पथ पर 100% रहिए कि वो पथ ही सही है, और निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 18 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में फूल देई महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में फूल देई फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया गया। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्ट्स को याद रखना होगा कि ये उत्तराखंड की फेस्टिवल है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि फूल देई फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग रखती है। तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड से। तो चलते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण फसल त्योहार जिसे फूल देई या कि अच्छी फसल के लिए देवताओं को दी गई श्रद्धा है। इस अवसर पर युवतियों घर की दहलीज को ताजे टूटे हुए फूलों से सजाती है, और इस साल इसकी शुरुआत 14 मार्च 2024 से हुई। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि उत्तराखंड में ही फूल देई फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? ताकि अच्छी फसल के लिए देवताओं की दी गई श्रद्धा को ही हम लोग समर्पित करते हैं। फूल देई एक शुभ लोक त्योहार है जो राज्य में वसंत का स्वागत करता है, और यह त्योहार हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। फूल देई पूरी तरह से फूलों और वसंत के बारे में है। कुछ स्थानों पर यह त्योहार कॉर्नविल के रूप में मनाया जाता है, और यह त्योहार एक महीने तक चलता है। तो जानते हैं इस देई शब्द का मतलब क्या है। तो देई शब्द का मतलब औपचारिक हलवे को संदर्भित करता है, जो इस त्योहार का मुख्य भोजन है, जो गुड़ से बनाया जाता है। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में उत्तराखंड में फूल देई फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया गया। इस फूल देई फेस्टिवल्स में जो देई का मतलब होता है हलवे का संदर्भित करना, यानी कि एक प्रकार की मिठाई जो इस त्योहार में सेलिब्रेट की जाती है, इस त्योहार में समर्पित की जाती है। तो इसका मुख्य भोजन है जो गुड़ से बनाया जाता है, उसका नाम है हलवा, जिसका मतलब होता है देई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किसने एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन विकसित किया है जो पानी और हवा दोनों में चल सकता है? तो राइट आंसर होगा आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर के द्वारा हाल ही में डेवलप किया गया हाइब्रिड अनमैन्ड व्हीकल दैट कैन ऑपरेट इन बोथ वाटर एंड एयर, वाटर और एयर दोनों में ऑपरेट होने वाला एक हाइब्रिड जो अनमैन्ड व्हीकल है, जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है ड्रोन लाइक का स्ट्रक्चर, तो ये आईआईटी जोधपुर के द्वारा बनाया गया, जो कि वाटर के साथ साथ एयर में भी वर्क करेगा। तो चलते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन के लिए एक नई प्रणाली बनाई है जो पानी के भीतर और हवा दोनों में काम कर सकती है। इस कार्य पर प्रकाश डालने वाला पेपर आईआईटी जोधपुर के जयंत कुमार मोहंत और उनके शोध विद्वान जय खत्री, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर संदीप गुप्ता और आईआईटी पलक्कर के प्रोफेसर संत कुमार मोहन द्वारा लिखा गया था। इसी के दौरान यह शोधकर्ताओं एनहिंस नामक पक्षी प्रजाति से प्रेरित है जो जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। इसकी उड़ान का समय 15 मिनट है और यह 8 घंटा तक पानी के अंदर रह सकता है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में आईआईटी जोधपुर के द्वारा क्रिएट किया गया एक नया सिस्टम, जिसका नाम दिया गया अ हाइब्रिड अनमैन्ड व्हीकल, जो कि ऑपरेट होगा वाटर में भी साथ साथ एयर में भी। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हाल ही में इंडिया का फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर को इनॉग्रेट किया गया। तो आपको याद रखना होगा कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में हाल ही में इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर को खोला गया। जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रहे हैं कितने भव्य तरीके से बनाया गया ये इंडोर एथलेटिक सेंटर, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, और इंडिया का पहला ऐसा इंडोर एथलेटिक सेंटर को उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में एक नए
इंडोर डाइविंग सेंटर की आधारशिला भी रखी और इसी मुख्यमंत्री के अनुसार नए इंडोर सुविधाएं एथलीटों को मौसम संबंधी गड़बड़ी के डर के बिना पूरे साल प्रशिक्षण लेने में मदद करेगी। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि ये जो इंडोर फैसिलिटी है पूरी तरीके से एथलीट्स की ट्रेनिंग को लेकर बढ़ावा दिया जाएगा और ये पूरे साल तक वो किसी भी मौसम से संबंधित कोई भी परेशानियां इनका सामना नहीं करेगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम बनाया गया है और इस स्टेडियम में एथलेटिक्सों को जो नए नए खिलाड़ी है उनको ट्रेन करने के लिए यह पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। नव विकसित भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स कार्यक्रमों की मेजबानी करने की सुविधाएं भी प्रदान है। तो आपको डायरेक्ट पॉइंट्स को याद रखना होगा कि उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा हाल ही में इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स और एक्वेटिक सेंटर कहां पे, तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में शुरू की गई पीबी शब्द पहल किससे संबंधित रखती है, तो राइट आंसर प्रसार भारती। प्रसार भारती के दौरान हाल ही में लॉन्च किया गया पीबी शब्द ये एक पहल है, तो जानते हैं इस पहल के बारे में, इस पहल का उद्देश्य क्या है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में प्रसार भारती की समाचार साक्षात्कार सेवा, जिसका मतलब है पीबी शब्द को लॉन्च किया और इसके साथ ही अपडेट न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें पीबी शब्द और डीडी न्यूज और एआईआर न्यूज की वेबसाइट भी यहाँ पे उपलब्ध है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री ठाकुर जी ने कहे कि पिछले कुछ वर्षों में प्रसार भारती ने देश के हर कोने से हर क्षेत्रीय भाषा में समाचार वितरण के साथ साथ समाचार एकत्र करने का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया है। तो ये जो पूरी तरीके से प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया पीबी शब्द, इसका पूरा फोकस होगा कि वो न्यूज चैनल बहुत अलग अलग लैंग्वेजों में प्रकाशित किया जाएगा, जो रीजनल लैंग्वेज है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है, जो हर एक स्टेट इंडिया के 28 राज्य में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा के दौरान इस पीबी शब्द का उद्देश्य होगा कि उस भाषा में समाचार पत्रों को पहुंचाया जाए एज अ रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा दान किसे मिला है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, याद रखना होगा कि रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, हाल ही में एक रिपोर्ट को पब्लिश की गई और इस रिपोर्ट के माध्यम से सबसे ज्यादा डोनेशन, मैक्सिमम डोनेशन फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिटवीन द ईयर 2019 से 24 तक के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से किस पार्टी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिली है, तो राइट आंसर का भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम डोनेशन मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से 2019 से 2024 के बीच में। तो सारे फैक्ट्स को हम डिटेल में क्लियर करेंगे। देखिए, ईसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 12 अप्रैल 2019 से लेकर 24 जनवरी 2024 के बीच चौंका देने वाली 6,660.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं और यह राशि कुल चुनावी बॉन्ड का 47.5% है। तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि ये रिपोर्ट हाल ही में ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई। इसमें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी को इन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से 6,060.5 करोड़ रुपए इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से 2019 से 2024 के बीच में इनको मिले हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का टोटल 47.5% अकेला यही हिस्सेदार पार्टी रखता है। भाजपा महत्वपूर्ण अंतर से सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता बन गई है, जो कि 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना व्यक्तियों और संस्थानों को अपनी पहचान बताए बिना राजनीतिक दलों को दान देने की अनुमति देती है। तो जिस तरीके से ये पार्टी में आए थे 2014 में, 2018 में इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड नामक एक पेश किया गया ताकि वैसे लोग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं और इसमें पूरी तरीके से आइडेंटिटी को छुपाई जाएगी, जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन का हनन होगा। इसी इंफॉर्मेशन को बचाए रखने के लिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जारी किया गया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम लाया गया है, इस स्कीम को पूर्ण तरीके से रद्द किया जाए और जितने भी आंकड़े अब तक आए थे उनको जारी की जाए
और इस आंकड़ा में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा रुपए की डोनेशन दी गई, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त थी, लेकिन अब वो सामने आया है। भाजपा के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 1609.5 करोड़ मिले, जो कि कुल 12.6% प्राप्त हुआ, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1421.9 करोड़ मिले, जो कि 11.1% है पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही है। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि भाजपा टॉप बना है यहाँ पे भी, जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है। जानते हैं इसके और भी डिटेल फैक्ट्स के बारे में। लॉटरी टाइकून सैंटियागो मार्टिन के स्वामित्व वाली फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज PR राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा दानकर्ता के रूप में उभरी है, जो कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा और आपको ये भी सोच के चलना होगा कि किस तरीके से घोटाले किए जा रहे हैं। दूसरा, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, इसने 3 सहयोगी कंपनी के साथ 1200 करोड़ रुपए का योगदान देकर शीर्ष दानदाताओं की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट, इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से लाया गया था हमारे देश को खोखला करने के लिए, इसको सुप्रीम कोर्ट के दौरान हाल ही में अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक बताते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को घोषित कर दिया कि ये असंवैधानिक है। अकॉर्डिंग टू डाटा ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह डेटा जारी करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 मार्च तक जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश के बाद आया है। डेटा शुरू में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किया गया था, जो चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत थे। तो आपको ये भी फैक्ट्स याद रखना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब लाया गया था तो इसमें एकमात्र बैंक को रखा गया था, जो थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिस लोगों को भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो आप SBI से ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, लेकिन अब ये पूर्ण तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसको रद्द कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया गया था कि 15 मार्च तक आपको सारे डाटा को पूरी तरीके से पब्लिश करना है, क्योंकि ये हमारा संविधान के अनुसार हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर जगह राहुल सिंह। राहुल सिंह को हाल ही में अपॉइंट किया गया है द चेयरमैन ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को वरिष्ठ IAS अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसमें राहुल सिंह इस पद पर निधि छिब्बर का स्थान लेंगे, क्योंकि निधि छिब्बर को हाल ही में नीति आयोग में सलाहकार बनाया गया। राहुल सिंह 1996 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है, जो कि राहुल सिंह वर्तमान में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT में अवर सचिव भी रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में CBSE के द्वारा अपॉइंट किया गया एज अ सीनियर IAS ऑफिसर के रूप में राहुल सिंह को चेयरमैन नियुक्त किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट होगा 15 मार्च। 15 मार्च को हर वर्ष हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य बाजार में उपभोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI, और यह थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से विकास और एक ऐसे भविष्य को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है जहां AI उपभोक्ता को सम्मान और समर्थन भी करता है। इसके दौरान पहला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग 15 मार्च 1983 को मनाया गया था, जिसमें मूल उपभोक्ता अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। हमारा मेन फोकस होगा कि वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष 15 मार्च।
सबसे पहला इसका शुरुआत 15 मार्च 1983 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा को हाल ही में नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया पैलेस्टीन का। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने मोहम्मद मुस्तफा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पिछले प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह ने पिछले महीने अपनी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया था और इसी के दौरान मुस्तफा एक अमेरिकी शिक्षित अर्थशास्त्री हमास शासन के तहत गाजा के पुनर्निर्माण प्रयासों की देखरेख के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अग्रणी फिलिस्तीनी व्यापारिक हस्तियों में से एक है, जो 2013 से 2014 तक उन्होंने आर्थिक मामलों के लिए जिम्मेदार उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किया। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में पैलेस्टीन के नए प्रेसिडेंट के रूप में जो मोहम्मद अब्बास है, उन्होंने ही अपॉइंट किया गया मोहम्मद मुस्तफा को एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, ये सारे डेली करंट अफेयर सीरीज खत्म होते हैं। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 16 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पीएम मोदी ने हाल ही में देश की पहली ऑटो इम्प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन गुजरात में किया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च की गई इसराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक विशाल पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लॉन्च किया गया अग्रे और अक्षय एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की? तो ई मोबिलिटी स्कीम की। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चित एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता रामनाथ कोविंद ने किया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 108वां पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन चाइना, ईरान और रशिया के द्वारा किया गया। चलते अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज बीन मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा है? ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कॉन्टेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।